कृषि मंत्री कमल पटेल मांधाता विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार नारायण पटेल के समर्थन में लोगों को एकजुट कर रहे हैं। कमल पटेल ने कहा, कमलनाथ सरकार ने हर वर्ग के साथ धोखा किया है, लेकिन कांग्रेस ने सबसे ज्यादा किसानों को छला है। मांधाता विधानसभा के किल्लौद विकासखंड के पाटाखाली गांव में भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने ग्रामवासियों को संबोधित किया। पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था, लेकिन कर्ज माफ नहीं हुआ। कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में किसानों, गरीबों, महिलाओं, बेरोजगारों के साथ छल किया, उन्हें धोखा दिया, किसानों को कर्ज माफी के नाम पर डिफॉल्टर बना दिया। पटेल ने कहा कि धोखा देकर एक बार फिर जीता जा सकता है, बार बार नहीं। कमल पटेल ने कहा कि मोदी सरकार के आते ही देश में विकास का माहौल बना है। मैंने इस क्षेत्र को पूरा गोद लिया। वैसे मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, खिड़किया हल्ला, वो मेरा गांव है बारंगा ये मोहाल। आप सबको निमंत्रण देने भी आया हूँ, कभी भी आइए, स्वागत है आपका, और मैं भी आपके बीच में आता रहूँ। और इस क्षेत्र को मैंने किल्लौद, चूंकि खंडवा से बहुत दूर पड़ता है, ये बैकवाटर के कारण, इंदिरा सागर के कारण, खंडवा से आपको दूर कर दिया, लेकिन खिड़किया के पास ला दिया, तो कमल के फूल के पास ला दिया आपको। कमल पटेल ने कहा, मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना जैसी अति महत्वाकांक्षी योजनाओं को देश में लागू किया, जिससे गरीब और किसानों को लाभ हुआ है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना गांधी जी ने देखा था, वो मोदी जी पूरा करने में लगे हुए हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।